चल बली, कब्र में पहुंच। बोलने से बड़ा जख्म उस गाली का है जो मैं हैदराबाद से सुन के आया हूँ। वो शायद कभी नहीं भरेगा, इसलिए फैसला किया कि लौटकर हैदराबाद नहीं जाऊंगा मैं अब। बाबू हमिद को गोलियां मार दी उसने। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जख्मी का असली नाम क्या है? बाबू हमीद। उसको गोलियां किसने मारी? बली और उसके गुंडों ने। आप तो यहाँ पहले भी आई थी ना, एक दूसरे जख्मी के साथ जिसकी टांगों में गोलियां लगी हैं। जी। ये दोनों कौन हैं आपके? किराएदार हैं हमारे। उसको भी बली ने गोलियां मारी हैं? जी। देखा, ये होता है FIR ना कटवाने का अंजाम। इसका कोई वाली वारिस है इसके साथ? हम दोनों है ना। आप तो मालिक मकान है, इसका रिश्तेदार? उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। लो ये भी आ गया। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा अब उसकी क्या कंडीशन है? कुछ पता नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, पूछती हूँ तो बताते ही नहीं है। ये अफजल की मकान मालिका है और ये उनकी बेटी है यास्मीन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसकी हालत अच्छी नहीं है क्या? उसे बहुत गोलियां लगी हैं। तुम कैसे हो? कल तक चलने लगूंगा मैं, चेक किया मैंने, चलने में कोई मुश्किल नहीं है। आप में से कोई बाबू हमीद का है रिश्तेदार? FIR किसकी मदद में कटेगी? ऑपरेशन हो जाए तो करते हैं बात, अभी जरा अपनी बातें कर लें। बाबू हमिद मुझे बचाने आया था। अपने दोस्त की वजह से? जी नहीं, यास्मीन की वजह से। दोस्त को तो कोस रहा होगा, ऐन वक्त पे गोलियां खाकर ना आता तो आज तो मुलाकात हो ही जाती। मुलाकात? वैसे मुलाकात हो भी नहीं सकती थी, ऊपर से हम भी तो पहुंच गए थे। प्लीज सारा, उसका दोस्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में, खुद वो व्हीलचेयर के बगैर चल नहीं सकता, ऐसे वक्त में डेट मारेगा वो? तो फिर तुमने ये नहीं देखा है कि वो खुद कितनी कश्मकश में, एक तरफ वो यास्मीन और दूसरी तरफ तुम। मैं? तुम भी तो आ गई हो ना। यास्मीन तो खैर फोन करके आई होगी और तुम बगैर फोन के, तुमसे मुंह छुपा रहा है वो। कराची के पानी में भी असर नहीं है, तुम्हें तो जिस हाल में भेजा था उसी हाल में हो तुम आ गई हो ना। तुम पियो कराची का पानी, तुम्हें तो इंशाल्लाह वहां मारेगा जब पानी भी नहीं मिलता। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हम वहां भी तो जा सकते हैं जहाँ कश्मकश चल रही है। आ जाओ। आप लोगों के साथ कोई मर्द है तो उसे बुलाएं। जी बताइए। देखिए उसे चार गोलियां लगी थी, तीन पेट में और एक यहाँ दिल के करीब। जो दिल के करीब लगी वो बहुत खतरनाक थी। ठीक तो है ना? जी नहीं, हम उसे बचा नहीं सके। <स्थ
देखो तो जरा, मेरा दिल कह रहा था यहाँ ऐसा ही कोई सीन चल रहा होगा। वो मर गया है खरा, इसलिए चल रहा है वो सीन। आज भी उसके जख्मों से खून बह रहा था बेचारा। यहाँ आते ही 10 तरह की मुसीबतें मोल ले ली उसने। माँ बाप की बद्दुआएं लेकर आएगा तो ये तो होगा। चुप रहो फरा, माँ बाप बद्दुआएं नहीं देते। बद्दुआ ना सही, आह तो लगती है उनकी। मैंने देखा उसके माँ बाप को उसके लिए तड़पते हुए। वो तो इस बात से भी डर जाते थे कि कहीं नाराज होकर कमरे को अंदर से कुंडी ना लगा ले। कोई मर गया है फरा, किसी की जान चली गई है, उसका कोई गम नहीं है तुम्हें? ये सब भी तो उसी की वजह से हुआ है। मैयत पर सारी बातें सुनकर आई हूँ मैं। बेचारा कातिल के हाथों अफजल की महबूबा को बचाने के लिए गया था और ये नाबुदी पता है क्यों आई? क्योंकि अफजल ने यास्मीन के कजन को सबके सामने पीट डाला था। कजन मतलब वो कातिल, उसके बारे में भी सारी बातें सुनी है। मोहल्ले का छिटा हुआ गुंडा है, बल्कि 4-5 इलाके तो उसके अंडे में आते हैं। चुप रहो फरा, 3 घंटे से चुपी तो थी वहां, सबके तमाशे देखकर आई हूं मैं। और याद कीजिए उस यास्मीन की बच्चियों कैसे गश के दौरे पड़े थे। देखो तो जरा, ना कोई रिश्ता ना कोई ताल्लुक, बस एक किराएदार के लिए कोई ऐसे रोता है। मैं भी खूब समझती हूँ ऐसे रोने को। असल में वो अफजल का कंधा ढूंढ रही थी। सोच रही होगी अफजल का कंधा मिल जाए तो रोने के बहाने लिपट जाए उससे। तुम तो पागल हो गई हो बिल्कुल, पता नहीं क्या बातें करती जा रही हो। मैंने कुछ गलत कहा क्या? गलत नहीं कहा तो बताओ जरा, अफजल के साथ क्या रिश्ता है हमारा? उसे ढूंढने के लिए क्यों आए थे तुम्हारे अब्बा, और हम लोग क्यों आए हैं उसे वापस ले जाने? दुनिया देखोगी तो पता चलेगा तुम्हें, यहाँ खून के रिश्तों में जज्बात नहीं मिलेंगे, और जज्बों में लगेगा कि खून दौड़ रहा है। मैं भी किसी के गम को दिल पर उठा कर लाई, क्योंकि मुझे लगता है जब कोई माँ अपने बेटे की जुदाई में तड़पती है तो सब माओं पर लाजिम हो जाता है कि वो उसके साथ मिलकर तड़पे। किसी के लिए तड़पना भी एक रिश्ता है फरा। अगर मैं किसी रिश्ते से तड़प रही हूं ना, तो वो लड़की भी उसी रिश्ते से तड़प रही होगी। इसको बैठकर समझाओ या फिर इससे कहो कि सो जाए थोड़ी देर के लिए। तुम क्या समझाओगी मुझे? ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रही हूं, वरना वो लिपट जाए अफजल के साथ, मेरा क्या जाता है? सर ये कराची में हमारा घर है, अब तुम
जख्म ठीक होने तक यहीं रहोगे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, एक डॉक्टर बाकायदगी से आगे तुम्हें चेक किया करेगा। लेकिन सर, देखो अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर लिया तुमने, कोई गलती नहीं भी की तो लगता है तुमसे गलती हुई है, इसलिए अब यह मुनासिब नहीं है कि तुम मेरी बात के जवाब में लेकिन कहो या ये चाहो कि इस हालत में तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया जाए। कुछ दिन यहां रहो, ठीक हो जाओ तो जहां मर्जी चाहे चले आना। आओ मेरे साथ। सिमन का शाबाश। रूम नंबर 9। जी जी हाँ। क्या कब? जी शुक्रिया, थैंक यू। ये लो कुछ खा लो। ऐसे खाऊं अम्मी? अब तो वो भी छोड़कर चला गया। कौन चला गया? सर, पर ये तो होना ही था। जिस दिन वो उसको ढूंढती हुई यहाँ आई थी, मेरे दिल ने उसी दिन कह दिया था कि अफसर का बुलावा आ गया। अस्पताल में नहीं है वो? नहीं, कमरा छोड़ दिया उसने। और वो जो हैदराबाद से ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे, अपने साथ लेकर हैदराबाद चले गए। इतना कमजोर तो नहीं था वो? 3 महीने यहाँ रहा है, किसी लिए दिए की शर्म तो होगी। पर से मौलवी का बेटा है, इतना दगाबाज तो नहीं हो सकता। शर्म का हिसाब तो देने आएगा किसी दिन, साथ लेकर आएगा उसे, कहेगा बीवी है मेरी। लेकिन वो तो कह रही थी कि वो उसकी कुछ नहीं लगती। ये दलील तो मैंने आपको दी थी, याद है जवाब में आपने क्या कहा? खाना ले जाए, कल से खाना शुरू करूंगी। कोई गम में हो तो रस्मन ही भूखा रह लेता है। अभी भी फोन नहीं है उसके पास। यही तो चालाकी थी उसकी, फोन रखा ना नंबर दिया। कमीने ने पहले ही सोच लिया होगा, जब चाहूंगा फिर से उड़ जाऊंगा। समझिए बोलने वाला तोता था, 4 दिन चोरी खाई, बातें की, बातों में लगाकर उड़ गया। गुड नाइट अम्मी। अरे तुम यहाँ पड़ी सो रही हो, पता भी है घर में कौन आया है? कौन? सुनोगी तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, फट से आईने के सामने बैठ जाओगी और बाल बनाने लगोगी अपने। हाय, आज रात वो यहीं रुकेगा। कौन? वही जो तरबूज है और अंदर से लाल है। तरबूज? हाँ, अब्बा कहते हैं मर्दों में मर्द के बच्चे को ढूंढना ऐसे है जैसे तरबूजों के ढेर में उस तरबूज को ढूंढ लेना जो अंदर से सबसे ज्यादा लाल हो। कम्बा लाल है बिल्कुल। ओ शट अप, बताओ कौन आया? अभी नहीं, सुबह बताऊंगी, अब तो सो गया है वो। अभी मैंने दरवाजा खोलकर देखा था उसे, मस्त सो रहा है। Get out. What? मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा इस वक्त बिल्कुल भी बकवास सुनने का मूड नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए तुम्हारे पास सोचा कि बैठकर बातें कर लेती हूँ। But you're not a good choice. अब जाकर उसी को जगाती हूँ और सारी बातें उसी से कर लेती हूँ। रुको, बताओ कौन आया? अफजल।
यहाँ? यहाँ नहीं, वहाँ नीचे गेस्ट रूम में। कौन लाया उसे यहाँ? अब्बा। अरे बेचारा अपने दोस्त के गम में तड़प रहा था। अब्बा ने सोचा यहाँ उसकी बीमार पुर्सी भी हो जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो दिलजोई भी कर देंगे। मुबारक हो तुम। थैंक यू। खैर मुबारक, बस थोड़ा लंगड़ाकर चल रहे, दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। जाओ कर दी दुआ। पता है अब्बा कह रहे थे जब वो ठीक हो जाएगा ना तो उसको हैदराबाद ले जाएंगे, फिर देखना उसको वहां से जाने नहीं दूंगी मैं। तुम? हाँ, तो मेरी हर बात मानने लग गया है। मैंने कहा दवा खा लो तो उसने फौरन खा ली। मैंने कहा सूप पी लो तो उसने फौरन सूप पी लिया। फिर मैंने कहा सो जाओ तो फौरन सो गया। और नहीं तो क्या, अब देखना मैं उसको जाकर जगाऊंगी तो देखना फौरन जाग जाएगा। तो फिर जाओ और जाकर जगाओ। एक दिन आएगा कि वो तुम्हें जगाएगा और तुम रो रो कर आके मुझसे कहोगी कि फरा देखो मुझे जागने में कितनी देर लग गई। गुड नाइट फरा। जाग रहे हो? कौन? अरे मैं हूँ लुबना। हाँ जाग रहा हूँ। जाग रहे हो मतलब अंदर आ जाओ, है ना। अरे लेटे रहो लेटे रहो। अरे सेलफोन भी है तुम्हारे पास? नहीं ये मेरे दोस्त का। ओ बेचारा, चार्ज हो जाए तो आरफा को फोन करो। नहीं कुछ अरसा फोन नहीं करूंगा उनको, कसम खाई है मैंने। हैदराबाद नहीं जाओगे? जाऊंगा किसी दिन। किसी दिन क्या मतलब, कल परसों में जा रहे हो तुम? हम कोई कराची सैर करने नहीं आए, तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे। कहा ना अभी नहीं जाऊंगा मैं। यास्मीन पर दिल आ गया है? ये हर 2-3 महीने बाद तुम्हारा दिल किसी नई लड़की पर क्यों आ जाता है? स्टार क्या है तुम्हारा? मस्त भी लियो। फिर भी तुम डरो मत, हैदराबाद जाकर ये लगे कि तुम्हें यास्मीन से ही मोहब्बत है तो बारात लेकर कराची आ जाना। देखो यास्मीन एक बहुत अच्छी लड़की है लेकिन। अच्छी है तो फिर लेकिन क्या, पुरानी मोहब्बत है वो गोली मारो। और गोली से याद आया, तुमने तो उसके लिए गोली भी खाई है ना। अब क्या छुपाओगे मुझसे, सब पता है मुझे, बल्कि फरा को ही पता है इस बारे में। एक्चुअली उसी ने तो बताया था मुझे। वो जब रोते हुए तुमसे लिपट गई थी तो फरा ने देख लिया था और देखते ही बोली दोनों की मोहब्बत देखो जरा। और कुछ तो मैंने भी अपनी आंखों से देख लिया था, मैयत पर 3 दफा गश आया था उसे और 3 बार गश खाने से पहले उसे तुम्हारी तरफ देखा था। प्लीज लुपना, मेरे दोस्त की मौत का मजाक नहीं है। वो तो खैर तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जिंदा लोगों की मोहब्बत भी कोई मजाक नहीं होती। बुजुर्गों की तरह हैदराबाद छोड़कर भाग जाना, खत वाली फरा से बेवफाई करना, हमारी फरा से मंगनी कोशिश करना और यास्मीन से इश्क लड़ाना भी कोई मजाक नहीं है। घर में तुम्हारे अम्मा अब्बा और आरफा तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं और तुम एक नई हसीना की मोहब्बत में भटक रहे हो। खुदा की कसम मैं यास्मीन से मोहब्बत नहीं करता। चलो अब किसकी बारी है? अब मेरी बारी है। अब मैं वो बाजी नहीं खेलूंगा जिसको जीतने के लिए दिल हारना पड़े। मैं हैदराबाद से सीख कर आया कि मोहब्बत हमारे लिए जरूरी होती है लेकिन हम मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं होते। दवा खाई तुमने? खाली। अब तुम सो जाओ और जब तक दवा का कोर्स चल रहा है मोहब्बत के बारे में गुफ्तगू से परहेज करो। गुड नाइट। सुनो जरा फोन देती जाना। श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट।
इस्लाम में दावे जायज नहीं है। चुपचाप गाड़ी में बैठो और कराची पहुंचने तक दुआ मांगते रहो कि वो वापस आने पर राजी हो जाए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अब मेरी बारी। अब मैं वो बाजी नहीं खेलूंगा जिसको जीतने के लिए दिल हारना पड़े। मैं हैदराबाद से सीख कर आया कि मोहब्बत हमारे लिए जरूरी होती है, लेकिन हम मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं होते। हो गई बातें। हाँ, आज तो मैंने यास्मीन के बारे में पूछ ही लिया। गो के किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात तो तुमने मेरे दिन में डाल ही दी थी। मैंने सोचा इतनी बातें करी हूं तो लगे हाथों ये भी पूछ लेती हूँ। और उसने तो कह दिया होगा, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे नहीं, उसे ये नहीं कहा, उसने कहा कि खुदा की कसम मैं यास्मीन से मोहब्बत नहीं करता। इसका मतलब है वो यास्मीन से मोहब्बत नहीं करता। गुड नाइट। यास्मीन, उठो यास्मीन, तुम्हारा फोन आ रहा है, उठो देखो किसका है। बाबू अमित, डरो मत, वो होगा अफजल। हेलो, अफजल बोल रहा हूँ। अरे मैं तो समझ रही थी तुम भाग गए हो। अब कहाँ भागूंगा, आ जाओ मिलकर बस। यही रहोगे ना? ये पता नहीं कहाँ रहूंगा, रहूंगा कराची। अब कुछ ला दूं खाने के लिए? जी जी। अरे नहीं इब्राहिम अंकल, बिल्कुल भी नहीं सोए होंगे, रात भर जागते रहते हैं दोनों। अब्बा, अब्बा। हाँ हाँ, इब्राहिम अंकल का फोन है। अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। मैंने जगा तो नहीं दिया कहीं आपको? अरे नहीं जनाब, हम तो 5 दिनों से इस उम्मीद पर सो रहे हैं कि इंशाल्लाह आपका फोन आएगा और आवाज सुनकर हम जाग जाएंगे। जगा दीजिए आज, अब हमसे सोने की एक्टिंग नहीं होती। मैंने ढूंढ लिया उसे। अल्हम्दुलिल्लाह, शेख साहब ने ढूंढ लिया है उसे। अल्लाह आपको इस नेकी का अजर दे भाई साहब। अल्लाह आपको हमेशा सदा खुश रखे भाई साहब। कहा है कमबख्त? यही है मेरे पास, अपने घर ले आया हूँ। अच्छा, पास बैठा सुन रहा होगा? अरे नहीं, उसे नहीं पता कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप कल कराची पहुंचिए, भाभी साहबा को भी साथ ले आइए। आप फोन बंद कीजिए, हम अभी निकलते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, आप कल शाम में पहुंचिए। अभी भी लुबना ने आके बताया मुझे कि वो हैदराबाद आने पर तैयार नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता कि उसे शक हो कि आप आ रहे हैं। अपनी माँ की याद भी नहीं आती उसे, कहता है मैं हैदराबाद वापस नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरी बात करवाइए। एक मिनट रुकिए। शक्ल रंग रूप वैसा ही है उसका? अरे आप घबराइए मत, तो वैसा ही है बिल्कुल। वैसा अब कहाँ है शेख साहब, दिल तो बदल गया है कमीने का। सो रहा है? जी सो रहा है तुम्हारा अफजल। मैंने कहा था रुकैया,
जो हमारा लाडला है हम उसके लाडले में। आपका बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप आरिफा को अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। एड्रेस लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है, कल शाम को मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके आएगा, आप उसके साथ बैठ के आ जाइए। अरे इसकी क्या जरूरत है शेख साहब? जरूरत है मौलवी साहब, प्लीज इस बात पर इनकार मत कीजिएगा। जैसा आपका हुक्म। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने क्या बात। क्या कह रही? कहते हैं कि मैं गाड़ी भिजवाऊंगा, उस पर बैठ कर आइएगा। और वो कहता है कि वो हैदराबाद नहीं आएगा। अरे वो कहता है तो कहता रहे, मैं हाथ जोड़ दूंगा उसके सामने, पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख दूंगा, फिर बताओ क्या कहेगा वो। हम माँ बाप हैं रुपया, हम पर तो लाजिम है कि हम जतन करते रहे। और फिर ये भी तो जा रही है हमारे साथ, ये तो उस नाखल को गिरेबान से भी पकड़ लेती है। तुम बुलाओगी तो आ जाएगा, वरना छुप कर बैठा रहेगा। आएगा तो क्या करोगे? करना क्या है, इस खामखा की दुश्मनी को खत्म कर दूंगा। वो समझेगा हम उसे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। ये नहीं समझेगा वो, उसको ये पता है कि उसके खिलाफ FIR नहीं कटेगी। वो ये समझेगा कि तुम डर गई हो उससे। डरी हुई यास्मीन को मुट्ठी में दबोच कर ले जाएगा वो। ये तो तब होगा ना जब वो ये समझेगा कि मैं डर गया उससे। दुश्मनी खत्म करने की बात करोगे तो यही कहेगा वो, कहेगा यास्मीन मुझे दे दो, दुश्मनी खत्म। बाबू हमीद की लाश दी है उसको, मैं बताऊंगा यही काफी है। तुम उसे जानते नहीं हो अफसर। वो भी मुझे कहां जानता है यास्मीन, बस तुम उसे एक दफा बुला लो, लेकिन ये मत बताना कि मैं भी मिलने आऊंगा उससे। फिर मैं जो जी में आएगा कह दूंगी उसे। हाँ जो जी में आए कह। अच्छा रखता हूं फोन, तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। क्या हुआ यास्मीन? अफजल वली से डर गया है अम्मी। ये क्या है आरफा? अम्मी का सामान और कपड़े हैं अब्बा, ताला लगाने लगी हूँ। अरे ठहरो, रुको रुकैया, ये इतना बड़ा अटैची क्यों लेकर जा रही हो? कितने दिन रुकोगी वहाँ? जितने दिन भी लगेंगे। याद कीजिए भाई साहब ने क्या कहा था, अभी वो वापस आने के लिए नहीं मान रहा। तो जब तक वो कराची में रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी मौलवी साहब। अरे मैं जा रहा हूं ना साथ, मतलब के आज वापस लेकर आऊंगा उसे। बस रहने दीजिए मौलवी साहब, इस्लाम में दावे जायज नहीं है। चुपचाप गाड़ी में बैठो और कराची पहुंचने तक दुआ मांगते रहो कि वो वापस आने पर राजी हो जाए। आ गया तो ठीक, वरना कराची दूर ही कितना है, आकर हम माँ बेटी से मिल जाया करना। अरे मियां जरा इधर आना, ये टैची उठाकर गाड़ी में रखना। बेटे की जिद टैची से ज्यादा भारी होती है मौलवी साहब।
रहने दो भैया, कैंची मैं खुद ही उठाऊंगा। حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله اكبر اسكي خون بھی یار जी बात नहीं भाई। हेलो, अफजल बोल रहा हूँ। अबे साले अफजल, अबे अफजल का फोन है। अफजल कमीने, कहाँ था तू? तेरा फोन क्यों बनता? अबे तुझे पता है तुझे मोहब्बत करने वाले यहाँ तुझे याद करके रोते हैं यार। मैं भी उनको याद कर करके रोता हूँ यार, लेकिन अब रोना छोड़ और सबको लेकर आजा मेरे पास। कहाँ आ जाऊं? कराची। बोल दे सबको कि नौकरी मिलेगी और तनख्वाह भी जुए के पैसों जितनी। कौन देगा इस तरह की नौकरी? मैं दूंगा। अच्छा, और काम क्या करना होगा? जान देनी होगी मेरे लिए। अभी कह रहे जान देनी होगी मेरे लिए, हैं? क्या हुआ साले, डर गया? नहीं नहीं, मैं ये सोचा था कि अगर जान देनी पड़ेगी तो तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी ना। क्या कहते हो, अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, ले ले ले। अबे ठीक है, ज्वाइन कब से करना है? आज, अभी। एक मिनट ठहर। क्या हुआ? अबे तेरे घर वाले जा रहे थे वो शेख इब्राहिम की गाड़ी में, जो अपने शेख साहब नहीं आए, मिल वाले के साथ। अच्छा फोन रखो और शाम से पहले पहुंच जा। अच्छा ठीक है, पहुंचते हैं। ओके पहुंचते। आइए डॉक्टर साहब। और जी क्या हाल है आपके? बस चलने लगा हूं, शाम तक भाग जाऊंगा। मेरा मतलब है शाम तक भागने लगूंगा। ऐसी कोई कोशिश मत करना, भागना ठीक नहीं है आपके लिए। जेब में लेके फिरते हो तुम? वही तो, सुबह से जेब में लेके फिर रहा हूँ। पकड़ना जरा ये ले। दर्द तो नहीं हो रही? कुछ खास नहीं। ओके ये ले, दो दिन के बाद आप भाग सकते हो, नथिंग टू वरी। वैसे दवाई तो ले रहे हो ना? जी। दो तीन दिन तक मतवाते दवाई खानी है आप। श्योर। ठीक है, सी यू। ओके जी, थैंक यू, थैंक सो मच। सुनो वो आरफा से बात हुई तुम्हारी?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो वैसे तो होती होगी ना बात? हाँ कभी कभी हो जाती है। अम्मी अब्बा कैसे हैं? ये तो उनको ही पता होगा। सुना है बेटे जब घर से भाग जाए तो अम्मी अब्बा की बस शक्ल देखते हैं, ये नहीं पूछते कि आप कैसे हो। और कोई बात? नहीं, थैंक यू। अब मैं पूछूं एक बात? हाँ। तुम्हें भागने का शौक क्यों है? और अगर भाग गए तो कहाँ जाओगे? यास्मीन के पास? चलो अगर ऐसी बात है तो मुझे दोस्त का नंबर, मैं उसे यहीं बुला लेती हूँ। और अगर शर्म नाम की कोई चीज बाकी है तो यहाँ से भागना मत। तुम्हारी बातों में खूब अच्छी तरह समझ रही हूँ, लेकिन अब तुम भी अच्छी तरह समझ लो। तुम भागते हो तो तुम्हारे चाहने वालों की नब्जें रुक जाती हैं। अच्छा बताओ, मुझसे शादी करोगे तो उसका क्या करोगे जो घर में बैठी है? तुम बताओ क्या करूं? जाहिर है, एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। अरे हाय, वो तलवार कहाँ है? तलवार तो तुम हो, नजर की धार से काट देती हो। व्हाटएवर। फिर कहो। क्या? वही, व्हाटएवर। क्या अच्छा कहती हो। बातों में ना लगाओ मुझे, मुझसे शादी करनी है तो उसको रुख्सत करो। तू बोल तो अभी फोन कर देता हूँ, शाम से पहले चली जाएगी। शाम से पहले तुम यहाँ पहुँचो, अम्मी से बैठ के बात करो। अम्मी कहेंगी हक मेहर 5 लाख, तुम कहना ठीक है। 5 लाख का सुन के डरो मत, तुमसे ले नहीं लूंगी। मैंने कोई इनकार किया यास्मीन? अरे 5 के क्या 10 लाख दे दूंगा। 5 लाख के साथ चाहे तो जान भी ले लेना। शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ मतलब जान लेने की बात तो ना करो। अच्छे अम्मी मरूम कहा करती थी कि जब लड़की किसी को इशार मान ले ना तो उसकी जान के लिए अपनी जान दे देती है। तू बस इतना बता दे कि डर गई है या प्यार हो गया? प्यार हो गया। झूठ बोल रही हो सोजा, अभी तो तुम डर गई हो, प्यार तो तुम बाद में करो। जाओ सामना करो और बता दो उनको कि तुम तो मरने के लिए तैयार बैठे हो। अभी मरने को तैयार नहीं हूं यार, मरने से डर नहीं लगता मुझे, लेकिन जीने का बहुत दिल चाहता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हाँ डर तो है, वो अफजल जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया है, अपने पैरों पर चलने लगा है। तो क्या, डर लगता है मुझे। शुरू शुरू में ये उसकी तरफ खिंच भी रही थी। मतलब मोहब्बत हो गई थी? नहीं नहीं, मोहब्बत नहीं, उन्स। उन्स का मतलब है आज उन्स हुआ कल मोहब्बत हो जाएगी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे यार को...